बसपा प्रत्याशी व पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान ने विरोधियों पर निशाना साधा, साथ ही इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता का शुक्रिया अदा किया। बसपा प्रत्याशी व पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि क्षेत्र में सपा की लहर के चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसमें किसी नेता और सपा पदाधिकारियों का कोई योगदान नहीं है, जिसका वो श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता में सपा सरकार आने का प्रचार करके उन्हें बेवकूफ बनाकर वोट हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि अब सपा प्रत्याशी इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़कर देख उसे अब करारी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने क्षेत्र की जनता का वोट देने के लिए शुक्रिया अदा किया। वर्करों ने जिस तरह से चुनाव को लड़ा, भले ही कोई वीडियो वायरल का असर हुआ या जिस तरह का भी कोई खेल हुआ, जिस तरह से प्रचार दुष्प्रचार किया गया, वो सब कुछ सामने होते हुए भी 42,500 वोट इस क्षेत्र की जनता ने मुझे डालने का काम किया है। मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इतनी मेहनत करके उन्होंने इतना वोट खींचने का काम किया। लेकिन एक एक वोट को खींचने में भी समाजवादी से लोहे के चने के बराबर था कि जैसे लोहे के चने नहीं चबाए जा सकते, इसलिए एक एक वोट को, क्योंकि 25 साल से हमने यहाँ पर समाजवादी की राजनीति की और समाजवादी की राजनीति करके उसके दिल के अंदर साइकिल को फीड कर दिया और 10-12 दिन के अंदर हम कैसे सब साइकिल निकाल के हाथी भर देते। तो ये अब भी बहुत बड़ा करिश्मा इस तरह का हुआ है जो इतना वोट मुस्लिम समाज का मुसलमानों ने हमें देने का काम किया। हमारे साथियों ने हमारी कड़ी मेहनत की और उस मेहनत का भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, कि ऐसे माहौल में कि जहाँ पर 25 साल तक हमने समाजवादी की राजनीति की हो और 10-12 दिन के अंदर ये इतना वोट हम लोगों ने खींचने का काम किया। अगर यही हमारा इलेक्शन अगर 6-7 फेस में होता तब उसके बाद हम औकात बता देते इनकी, कि हमें वक्त नहीं मिला, लोगों को समझाने का वक्त नहीं मिला, लोगों ने दुष्प्रचार किया, लोगों ने वीडियो वायरल कर दी, उवैसी ने वीडियो वायरल करके उसे सुनवा दिया, हिंदू समाज में वीडियो वायरल की गई कि बीजेपी को वोट डलवा रहे हैं। इस तरह से पूरे माहौल, पूरे चुनाव के माहौल को जो है वो बिगाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी इतना वोट उन्होंने डालने का काम किया, मैं उनके लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और ये खुशफहमी दूर कर लें जिन ठेकेदार या दलाल जो कूदे फिर रहे क्षेत्र में कि हमने वोट दिलवा दिया, वो उनका कोई वोट नहीं था, वो एक लहर का वोट था, वो एक जुनून का वोट था, वो एक आंधी का वोट था साइकिल का, जो सरकार को बदलने की एक आंधी चल रही थी। इसलिए मैं क्षेत्र की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ और यही उन लोगों की गलतफहमी और वो गहना में निकालना चाहता हूँ दिमाग से। और कैंडिडेट की भी, जो भी कैंडिडेट वो नहीं, कोई भी कैंडिडेट होता उसको इतना ही वोट मिलता, वो वोट मांगने ना भी जाता तब भी इतना ही मिलता उसे, कोई भी कैंडिडेट होता। तो कैंडिडेट को अगर खुशफहमी ये हो कि मुझे अब इतना वोट मिल गया मेरे चेहरे पे, तो वो कैंडिडेट अगर वो क्या नाम इस्तीफा दे दें और उसके बाद चुनाव लड़ लें, फिर दोबारा हम तैयार हैं। इस मौके पर साजिद खान उर्फ बबलू, खलील मलिक, खुर्शीद मलिक, हारून कारून प्रधान, हाजी चिद्दा मलिक, मोहम्मद वसीम, यूसुफ सैफी, मास्टर मुबारक समेत बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे।